तो इंजेक्टिविटी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, कि इंजेक्टिविटी के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट दो वैल्यू हम लोग एक्स वन कॉमा एक्स टू ले लेते हैं रियल नंबर से, सच दैट कि एक्स वन एक्स टू डिस्टिंक्ट हैं, मतलब एक्स वन एक्स टू इक्वल नहीं है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू कंसीडरिंग कि एफ एक्स वन जो है और एफ एक्स टू, ये जो एक्स वन एक्स टू पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, है ना। हम ऐसे एक्स वन एक्स टू को खोजना चाहते हैं ताकि वो एक्स वन एक्स टू इक्वल भी ना हो लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो मेनी वन है, या यूं कह लीजिए इससे प्रूफ हो जाएगा वो वन वन नहीं है, ठीक है, या इंजेक्टिव नहीं है। तो एफ एक्स वन क्या आएगा, फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो एक्स की प्लेस पे एक्स वन रख दीजिए, तो एक्स वन का स्क्वायर प्लस एक्स वन, और इधर क्या हो जाएगा आपका एक्स टू का स्क्वायर, सॉरी एक्स टू अपॉन एक्स टू का स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका एक्स वन एक्स टू का स्क्वायर और प्लस एक्स वन, दैट इज इक्वल्स टू, इधर से क्या आ जाएगा आपका एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू प्लस एक्स टू हो जाएगा। सब कुछ एक तरफ ले आते हैं तो एक्स वन एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू प्लस एक्स वन और माइनस एक्स टू इक्वल्स टू ज़ीरो। इन दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, एक्स वन एक्स टू कॉमन हो रहा है, तो एक्स वन एक्स टू कॉमन कर लेते हैं, अंदर बचेगा एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ भी आपका हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू ज़ीरो। फर्दर फैक्टराइज हो जाएगा, आप यहाँ से क्या कर लीजिए एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमन कर लीजिए, तो एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमन कर लिया, क्या बचेगा एक्स वन एक्स टू माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन जीरो तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये पहले हम एज्यूम करके चले हैं कि एक्स वन एक्स टू डिस्टिंक्ट है, मतलब इक्वल नहीं है, तो सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है ये ब्रैकेट जीरो हो जाए, तो दैट इम्प्लाइज एक्स वन एक्स टू माइनस वन जीरो होगा। इसका मतलब कि एक्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा वन बाई एक्स वन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप कह देंगे क्लियरली जो एक्स वन पे फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स वन और एफ वन बाई एक्स वन, है ना, ये क्या होगा इक्वल होगा, वेयर वेयर एक्स वन नॉट इक्वल टू वन बाई एक्स वन। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स एक्स वन नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, है ना, प्लस माइनस वन नहीं होना चाहिए। दिखाने के लिए आप दिखा सकते हो कि जो एक्स वन मान लीजिए टू ले लेते हैं तो वन बाई एक्स वन क्या हो जाएगा वन बाई टू। दोनों प्लेस पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे क्योंकि दोनों रियल नंबर हैं, तो दोनों पे फंक्शन की वैल्यू एफ टू कितना आ जाएगा टू अपॉन टू का स्क्वायर प्लस वन, मतलब टू अपॉन फाइव आ जाएगा। तो टू पे भी फंक्शन की वैल्यू टू बाई फाइव हो गई और वन बाई टू पे भी आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका टू बाई फाइव आ गया। साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन क्या है मेनी वन है, है ना। तो यहाँ से ये दिखाने की आपको एक एग्जाम्पल प्लेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम कह देंगे इम्प्लाइज एफ इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव या आप लिख दीजिए नॉट वन 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 वन, ठीक है। तो ये एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो देखते हैं हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन होने के लिए हमें रेंज निकालना पड़ेगा, और वो रेंज अगर रियल नंबर के इक्वल आ गया तब तो ये सर्जेक्टिव है, मतलब ऑन टू है, अदरवाइज ये इन टू होगा, तो रेंज तो निकालना पड़ेगा। रेंज के लिए हमने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो लेट से एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया वाई, तो वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्वाड्रेटिक बनाइए, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। अब एक्स तो रियल है ना, क्योंकि अब एक्स क्या है डोमेन का पार्ट है, तो एक्स रियल होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इम्प्लाइज जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या, डिस्क्रिमिनेंट आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस का स्क्वायर माइनस फोर ए आपका वाई है और सी भी आपका वाई है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आ गया। तो ये आ गया वन माइनस कितना हो गया आपका फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स
4y² - 1 लेस देन आर इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, मतलब ग्रेटर देन बिकम लेस देन या लेस देन बिकम ग्रेटर देन। यहाँ फैक्टराइज कर लीजिए तो ये 2y + 1 आ जाएगा और 2y क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए, ये कहाँ 0 होगा, -1/2 पे, और ये ब्रैकेट कहाँ 0 होगी, +1/2 पे। साइन प्लॉट करते हैं हम लोग इस पूरे एक्सप्रेशन का, और उसमें से हम डिसाइड कर लेंगे कि लेस देन 0 वाला कौन सा रीजन है ना, वो वाई हमारे काम का होगा। तो देखिए, अगर वाई अगर -1/2 से छोटा रखते हैं, सपोज कोई बड़ी सी लेते हैं -10 ले लेते हैं, तो अगर -10 ले लेते हैं तो ये -20 और समथिंग, ये निगेटिव ब्रैकेट आएगी और इस ब्रैकेट की वैल्यू भी निगेटिव आएगी y के -10 के लिए, मतलब निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस साइड में पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, फिर ये साइन चेंज करेगा है ना, हर क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट, यहाँ निगेटिव हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरे एक्सप्रेशन की साइन हो गई। लेकिन आपको चाहिए क्या, वो रीजन चाहिए जहाँ पे ये लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 0 है, मतलब ये हो गया। ठीक है, ये आपका फेवरेबल हो गया, यहाँ पे y होगा, तो आप y क्या कहोगे, y जो है दैट इज क्लोज इंटरवल ऑफ -1/2 से 1/2 हो गया। अब ये लो, ये तो रेंज का क्या है, ये r का सबसेट है, ये r के बराबर तो है नहीं, इसका मतलब कि ये इनटू फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन या सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। इम्प्लाइज f इज नॉट सर्जेक्टिव या फिर ऑनटू कहेंगे। तो आपके इस पार्ट में दिया गया है कि आपको फॉग निकालना है, फॉग एक्स है ना, तो f ऑफ जी एक्स निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज f ऑफ जी एक्स। तो जहां भी फंक्शन f की डेफिनेशन फॉलो करिए, जहां x है वहां पे जी एक्स रख दें, तो जहां x है f वाले में वो जी एक्स रख दें, तो क्या हो जाएगा आपका, जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर और +1। लेकिन जी एक्स की खुद डेफिनेशन क्या है, 2x - 1, तो यहाँ पे क्या रख दिया जाए, जी एक्स की प्लेस पे 2x - 1, ये हो जाएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर +1। ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 2x - 1 अपॉन ये ए स्क्वायर मतलब 4x² और -2ab मतलब -4x और +b² मतलब 1, और 1 पहले से है तो प्लस का 2 हो गया, तो दैट इज योर फॉग एक्स। इस क्वेश्चन के लिए जो आपने किया है अभी, इसका अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि कंपटीशन हम अप्रोच कर रहे हैं वहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आपके बहुत मजबूत होने चाहिए है ना, आप क्वालिटेटिवली बहुत अच्छा सोचिए तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तेज़ी से आप कर सकते हैं, चाहे वो किसी लेवल का क्वेश्चन हो, और ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को कैसे कवर करें, कंप्लीट वर्जन हमारे पास कैसे जाए ताकि हम बोर्ड में भी दिखा पाएँ और फ्यूचर के लिए भी अपने आप को तैयार कर पाएँ, उसके लिए आप नीचे लिंक दिया गया है वहाँ क्लिक करके वीडियो का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं जहाँ सारे एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं।